आज एक नया टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, आरेलिया। आरेलिया इसे हम लोग जेली फिश के भी नाम से जानते हैं, जेली फिश, जेली फिश। ठीक है, आरेलिया को हो या जेली फिश को हो, बात एक ही है। ठीक है, चलो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दो क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन। इसका क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फाइलम लिखिए, फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम हो गया सीलेंट्रेटा। इसकी जो क्लास रहेगी, ठीक है, फाइलम, इसका जो क्लास है वो है स्काइफोजोआ। क्लास स्काइफोजोआ, SCYPHOZOA, स्काइफोजोआ। इसका जो ऑर्डर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेमियोस्टोमी। ऑर्डर है सेमियोस्टोमी, SSEMAE, सेमियोस्टोमी, STOSTOMEAE, सेमियोस्टोमी, सेमियोस्टोमी। इसका ये ऑर्डर हो गया। अगर हम लोग इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी है अल्मोरिडी, फैमिली आर अल्मोरिडी, DAE, रिडी, फैमिली अल्मोरिडी। जीनस जो इसका हो जाएगा वो आरेलिया हो जाएगा। जीनस आरेलिया, आपको पता है आरेलिया का पहला अक्षर बड़ा होगा, बाकी जो लेटर है वो स्मॉल रहेंगे और ये इटैलिक लिखे जाते हैं, अंडरलाइन रहेगा। और जो स्पीसीज यहां पर हम लोग देखेंगे स्पेशली वो है आरेलिया, आरेलिया आरिटा, AURITA, आरिटा, AURITA, आरिटा। तो आरेलिया आरिटा ये क्या है स्पीसीज है, हम लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो हैबिट हैबिटेट, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हमारी हैबिट एंड हैबिटेट। इसका आवास क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसके बारे में समझना है ये क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बेटा 2 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्लासिफिकेशन 2 नंबर का आता है, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए। अब हमको इसका आवास और वासस्थान पता होना चाहिए, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब जानना है। तो लिखो इसमें फटाफट, लिखिए सभी लोग, आरेलिया, आरेलिया या जेलीफिश, आरेलिया या जेलीफिश लिखें इसमें हैबिट हैबिटेट में। आरेलिया मैराइन वाटर में, आरेलिया मैराइन वाटर में स्वतंत्र रूप से, दैट मीन्स फ्रीली फॉर्म में, फ्रीली फॉर्म में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है, स्विमिंग करती रहती है, जो कि एक सीलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म होती है, जो कि एक सीलेंट्रेट ऑर्गेनिज्म होती है। अभी इसको जेलीफिश क्यों कहा गया तो वो भी लिख लें। यह जेली के समान, यह जेली के समान ट्रांसपेरेंट, यह जेली के समान ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म या किसी हम ये कह सकते हैं सब्सटेंस से, हम एक इधर से उस साइड में, मतलब इधर से अगर हम देख रहे हैं तो उस साइड का दिखना चाहिए हमको, ऐसा एक एपरेटस है या ऐसा मेम्ब्रेन है, इस साइड से देखने पर उस साइड का दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है,
जो ट्रांसपेरेंट होती है, इसके बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिज्म ऑर्गन है वो आपको दिखाई देते हैं बाखूबी तरीके से। तो क्या लिखा, जेली के समान ट्रांसपेरेंट बॉडी होने के कारण यह जेली के समान, या इसकी बॉडी जेली के समान ट्रांसपेरेंट होने के कारण, इसकी बॉडी जेली के समान ट्रांसपेरेंट होने के कारण यह नॉर्मली जेलीफिश कहलाती है, होने के कारण यह नॉर्मली जेलीफिश कहलाती है। ठीक है, तो बॉडी ट्रांसपेरेंट होने के कारण, जेली के सिमिलर ट्रांसपेरेंट होने के कारण इसको क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं। हेडिंग डाल दीजिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह आकार की, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाह आकार की। बाह आकार की लिखे इसमें, ऑरेलिया में बॉडी अम्ब्रेला शेप, होती है, अम्ब्रेला शेप होती है जो जो 7 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर व्यास वाली, 7 से 10 सेंटीमीटर डायमीटर व्यास वाली मेडुसा के फॉर्म में होती है, तो ये इसका व्यास कितना है, 7 से 10 सेंटीमीटर, और ये मेडुसा के रूप में होती है, मेडुसा के फॉर्म में होती है। इसकी अपर सरफेस पर, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस क्या होगा, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस तथा लोअर सरफेस पर, या ऐसे लिखिए इसकी अपर सरफेस को कर दीजिए, इसकी अपर सरफेस को एक्स अम्ब्रेलर सरफेस तथा लोअर सरफेस को, ये सही है, लोअर सरफेस को, अम्ब्रेलर सरफेस या सब अम्ब्रेलर सरफेस, अम्ब्रेला कहने का मतलब तो आप समझते होगा ना, छाते के आकार का, एकदम छाते की तरह आपको ये दिखाई देगा। तो जो इसका अपर सरफेस होगा वो क्या कहलाएगा, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, और जो लोअर सरफेस होगा वो क्या कहलाएगा, सब अम्ब्रेलर सरफेस कहलाता है। ऑरेलिया की बॉडी, से लिखें ऑरेलिया की बॉडी, लगभग ट्रांसपेरेंट, कॉमा ब्लू कलर, नीले रंग की, ब्लू कलर की होती है,
लाइन से लिखे हैं, ऑरेलिया के मेडुसा का, ऑरेलिया के मेडुसा का मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर इसकी एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, मेन कैरेक्टर इसकी एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पर ऑरेलिया के मेडुसा का मेन कैरेक्टर इसकी एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पर पाए जाने वाले फोर गोनेड के फॉर्म में या रूप में होता है, चार गोनेड के रूप में होता है जो जो डार्क ऑरेंज कलर, जो डार्क ऑरेंज कलर तथा हॉर्स शू शेप्ड, घोड़े की नाल के आकार का, हॉर्स शू शेप्ड घोड़े की नाल देखी होगी आप लोगों ने, घोड़े की नाल कैसी होती है, लाइक इस तरीके से बनी रहती है, ठीक है। घोड़े की नाल जो घोड़े के खुर में हम कह सकते हैं ठोंकी जाती है, जिससे घोड़े के खुर जो होते हैं वो रोड पे खराब नहीं होते हैं, तो ये हम जूता कह सकते हैं एक तरीके से घोड़े का, ठीक है। तो हॉर्स शू शेप ऐसा आपको दिखाई देगा इसका मेडुसा, हॉर्स शू शेप होती है तथा यह रेडियल कैनाल के साथ, यानी कि इसमें जो रेडियल कैनाल्स पाई जा रही है उसके साथ, तथा यह रेडियल कैनाल के साथ, तथा यह रेडियल कैनाल के साथ जुड़ी रहती है, जुड़े रहते हैं करीब, तथा यह रेडियल कैनाल के साथ जुड़े रहते हैं, गैमेट्स की बात हो रही है। नेलेंस लिखे, मेडुसा ऑरेलिया की लाइफ साइकिल की मेन स्टेज, मुख्य अवस्था होती है, तथा एक वेल डेवलप्ड पूर्ण विकसित मेडुसा में फॉलोइंग टाइप्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं, या फॉलोइंग टाइप के पार्ट पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। फर्स्ट हेडिंग डाल दो, पहला जो यहां पर पार्ट है वो है माउथ एंड ओरल आर्म। तो इसका माउथ और जो ओरल आर्म है वो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, पहला भाग है। तो मेडुसा में जो माउथ और ओरल आर्म है ये कहां पाई जाती है इसके बारे में लिखना है। तो लिखें, ऑरेलिया की मेडुसा के लोअर सरफेस पर एक छोटे आकार का
एक छोटे स्मॉल साइज का, एक स्मॉल साइज का मैनुब्रियम, मैनुब्रियम MANUBRIUM मैनुब्रियम, एक छोटे आकार का स्मॉल साइज का मैनुब्रियम पाया जाता है जिसके अगले सिरे पर, जिसके अगले सिरे पर एक स्क्वायर्ड, दैट मीन्स चौकोर, इसके अगले सिरे पर एक स्क्वायर्ड माउथ, चौकोर माउथ, स्क्वायर्ड माउथ दैट मीन्स चौकोर माउथ पाया जाता है, ऐसा होगा वहां फोर, एक चौकोर माउथ पाया जाता है, स्क्वायर्ड माउथ पाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि स्क्वायर्ड माउथ कहां प्रेजेंट होता है, आप कहेंगे सर आरेलिया में, राइट, सेलेंट रेट के आरेलिया ऑर्गेनिज्म में स्क्वायर्ड माउथ पाया जाता है, स्क्वायर्ड माउथ अरेंज रहता है या पाया जाता है। नलाय से लिखो, माउथ के प्रत्येक एंड से, ईच एंड से, माउथ के प्रत्येक एंड, एंड मतलब शिरा, तो एक शिरा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन सिरों से माउथ के प्रत्येक एंड के, प्रत्येक एंड के या प्रत्येक एंड से एक आर्म डेवलप होती है, एक आर्म लाइक दिस, इस तरीके से आर्म्स यहां पाई जाएंगी, एक आर्म्स डेवलप होती है, एक आर्म डेवलप होती है या विकसित होती है जिसे ओरल आर्म, ओरल आर्म क्यों कहा गया, क्योंकि ये माउथ के एंड से डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिसे ओरल आर्म, मुख आर्म, भुजाएं, ओरल आर्म कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मेडुसा में, इस प्रकार प्रत्येक मेडुसा में फोर ओरल आर्म, एक दो तीन चार, इस प्रकार प्रत्येक मेडुसा में फोर ओरल आर्म्स, ओरल आर्म अरेंज रहती हैं, स्थित रहती हैं, फोर ओरल आर्म स्थित या अरेंज रहती हैं। ध्यान से लिखो, प्रत्येक ओरल आर्म, प्रत्येक ओरल आर्म, प्रत्येक ओरल आर्म एक मोटी, दैट मीन्स थिक, एक मोटी कॉमा बेलनाकार सिलेंड्रिकल, एक थिक कॉमा सिलेंड्रिकल, एक मोटी कॉमा बेलनाकार सिलेंड्रिकल कॉमा पॉइंटेड एंड, कॉमा पॉइंटेड एंड, यानी कि जो इसके सिरे हैं वो कैसे होंगे, नुकीले होंगे, पॉइंटेड होंगे, पॉइंटेड एंड, नुकीले सिरे, ठीक है, पॉइंटेड एंड दैट मीन्स नुकीले सिरे वाली होती है, यानी कि जो प्रत्येक आर्म है वो कैसी होगी, थिक होगी, मोटी होगी, सिलेंड्रिकल होगी और पॉइंटेड एंड होगा इसका, ठीक है, नुकीले सिरे वाली होती है, पॉइंटेड एंड वाली होती है, जिसके लेटरल साइड पर, तो लेटरल साइड कौन सा होगा, अंदर वाला, ये वाला साइड कहलाएगा लेटरल और ये वाला साइड कहलाएगा डॉर्सल, तो बाहर की तरफ है डॉर्सल, अंदर की तरफ है लेटरल, तो हम लेटरल साइड की बात कर रहे हैं, इसके अंदर की तरफ बात कर रहे हैं, तो क्या लिखा, जिसके लेटरल साइड पर मेनी सीलिया, बहुत सारे सीलिया व निमेटोसिस्ट, मेनी सीलिया व निमेटोसिस्ट, CNIMATOCYST, मेनी सीलिया व निमेटोसिस्ट
अरेंज रहते हैं, मैनी सीलिया व नेमेटोसिस्ट अरेंज रहते हैं। तो बेटा ये हमारा हो गया क्या, माउथ एंड ओरल आर्म। माउथ कैसा है और ओरल आर्म क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। अब सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए, सेकेंड हेडिंग डालिए मार्जिनल एंड टेंटिकल्स। अब इनमें जो मार्जिनल्स हैं और जो टेंटिकल्स हैं वो भी इसका एक पार्ट है। तो सेकेंड हेडिंग पड़ेगी मार्जिनल एंड टेंटिकल्स। मार्जिनल और टेंटिकल्स, ये क्या है लिखो इसमें। मेडुसा के मार्जिन, दैट मीन्स किनारे, मेडुसा के किनारे, दैट मीन्स मार्जिन, अनेक खोखली हॉलो, अनेक खोखली या गड्ढेनुमा हॉलो लाइक स्ट्रक्चर्स, अनेक खोखली हॉलो कॉमा थ्रेड लाइक धागे नुमा, मैनी हॉलो एंड थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है। मेडुसा के किनारे अनेक खोखली धागे नुमा संरचनाओं से जुड़ी होती है, स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, जिन्हें मार्जिनल टेंटिकल्स, जिन्हें मार्जिनल टेंटिकल्स, हेडिंग सही कर लीजिए, मार्जिनल एंड टेंटिकल्स ने मार्जिनल टेंटिकल्स कहते हैं, सॉरी, जिन्हें मार्जिनल टेंटिकल्स कहते हैं। तो मार्जिनल टेंटिकल्स कहने का मतलब किनारों पर जो टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, किनारों पर जो टेंटिकल्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल टेंटिकल्स। और ये कैसे होते हैं, ये काफी, हम ये कह सकते हैं मैनी खोखली, बहुत सारी खोखली संरचनाओं और धागे नुमा संरचनाओं से जुड़ी रहती हैं, धागे नुमा संरचनाओं के आकार में समान जुड़ी रहती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल टेंटिकल्स। इनका मेन फंक्शन होता है क्या, इनका मेन फंक्शन होता है कि कोई फूड अगर इसको दिखता है तो उसको ये फंसा लेता है अपने ही टेंटिकल्स में, ठीक है, फूड को टेंटिकल्स में फंसा लिया जाता है, किसके द्वारा, मार्जिनल टेंटिकल्स के द्वारा, ठीक है। चलो इसके बाद में हेडिंग डाल दो टेंटाकुलोसाइट्स, टेंटाकुलोसाइट्स। अब ये क्या होती हैं, हेडिंग डाल दो टेंटाकुलोसाइट्स, थर्ड हेडिंग पड़ेगी टेंटाकुलोसाइट्स, TENTACULOCYTES, टेंटाकुलोसाइट्स, मार्जिनल टेंटिकल्स या टेंटा, सॉरी मार्जिनल टेंटिकल्स के बाद में हेडिंग पड़ेगी टेंटाकुलोसाइट्स। इसमें लिखो, या इसी को लेपेट्स भी कह सकते हैं, लिखो इसमें मेडुसा का सर्कुलर मार्जिन, मेडुसा का सर्कुलर मार्जिन, मेडुसा का सर्कुलर मार्जिन 8 लोब के रूप में, यानी कि इसमें 8 लोब्स पाए जाएंगे, 8 लोब्स के रूप में डिवाइड रहता है। मेडुसा का मार्जिन 8 लोब के रूप में डिवाइड रहता है, जो 8 नॉच, एट नॉच, जो 8 नॉच, NOTCH, नॉच, नॉच मतलब खांच, 8 नॉच, 8 खांचों के कारण, एट नॉचेस के कारण प्रोड्यूस होता है, निर्मित होता है, जो एट नॉचेस, 8 नॉच, 8 खांचों के कारण प्रोड्यूस होता है। प्रत्येक नॉच में,
यानी कि प्रत्येक खांच है उसमें, प्रत्येक नॉच में दो, टू, इसको याद रखिएगा ये पॉइंट्स, प्रत्येक नॉच में टू लीफ लाइक पत्ती के समान, प्रत्येक नॉच में टू लीफ लाइक ओवल स्ट्रक्चर, लीफ लाइक ओवल स्ट्रक्चर, अंडे के समान या अंडे का संरचना, अंडे जैसे संरचना, ओवल स्ट्रक्चर अरेंज रहती है, ओवल स्ट्रक्चर अरेंज रहती है, जिन्हें लैपेट्स, LAPPETS, जिन्हें लैपेट्स कहते हैं, जिन्हें लैपेट्स कहते हैं। तो लैपेट्स होता क्या है, ये एक लीफ लाइक ओवल स्ट्रक्चर होता है जो प्रत्येक ईच नॉच में पाया जाता है, और ये कितनी होती है, दो होती हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टू लैपेट्स, जिन्हें टू लैपेट्स या लैपेट्स कहते हैं, और ये कितने अरेंज रहते हैं, दो अरेंज रहते हैं। नेलन से लिखा, प्रत्येक लैपेट्स के बीच, प्रत्येक लैपेट्स के बीच प्रत्येक लैपेट्स के बीच एक माइक्रोटाइप का प्रत्येक लैपेट्स के बीच एक माइक्रोटाइप का यानी कि सूक्ष्म प्रकार का सेंसरी ऑर्गन, प्रत्येक लैपेट्स के बीच एक माइक्रोटाइप का सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, जिसे टेंटाकुलोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार ऑरेलिया के प्रत्येक मेडुसा में, ईच मेडुसा में, इसको याद कर लेना, इस प्रकार ऑरेलिया के प्रत्येक मेडुसा में 8 टेंटाकुलोसाइट्स, 8 टेंटाकुलोसाइट्स स्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं, 8 टेंटाकुलोसाइट्स अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, वेलेरियम, VELARIUM, वेलेरियम, ये भी एक पार्ट है स्मेडुसा का, छोटा सा ही पार्ट है, इसमें लिख लो वेलेरियम है। लिखे इसमें, मेडुसा की लोअर सरफेस के किनारों पर, कॉर्नर पर, मेडुसा की लोअर सरफेस के कॉर्नर पर एक थिन फ्लेक्सिबल कवरिंग, लचीली कवरिंग पाई जाती है, लचीली फ्लेक्सिबल कवरिंग पाई जाती है, जिसे वेलेरियम कहते हैं, से क्या कहते हैं, वेलेरियम कहते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दिए, गोनेट्स, इसको हिंदी में कहते हैं जनद, गोनेट्स, GONADS, गोनेट्स। इसमें लिखे, ऑरेलिया की मेडुसा के अपर सरफेस पर, ऑरेलिया की मेडुसा के अपर सरफेस पर
फोर हॉर्स शू शेप, फोर हॉर्स शू शेप्ड, शू शेप स्ट्रक्चर फोर हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर ऑरेलिया के मेडुसा की अपर सरफेस पर फोर हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर यानी कि चार घोड़े की नाल के आकार की संरचनाएं, फोर हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर अरेंज रहती है जिसे या जिन्हें गोनेड कहते हैं, जिन्हें गोनेड कहते हैं, जनद कहते हैं। प्रत्येक गोनेड में एक थिन मेम्ब्रेन के नीचे प्रत्येक गोनेड में एक थिन मेम्ब्रेन के नीचे अनेक जनन कोशिकाएं बोले तो रिप्रोडक्टिव सेल अनेक जनन कोशिकाएं बोले तो रिप्रोडक्टिव सेल पाई जाती है या स्थित रहती है। जो लगातार युग्मक का निर्माण करती रहती हैं। दलाइन से लिखें, गोनेड में प्रोड्यूस होने वाले गैमीट माउथ या ओरल आर्म, क्योंकि आपको पता है माउथ के जो कॉर्नर है एंड है वहीं से ओरल आर्म डेवलप होती है, तो माउथ या ओरल आर्म की सरफेस पर अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया है, इसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर हम लोग पीपीटी पर देखेंगे, ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए, तो ये डायग्राम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में ऑरेलिया का है, ठीक है, जिसको हम लोग जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं, राइट, जेलीफिश, उसका ये डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ खास देखना है, जैसे कि आप अगर इसके बॉडी सरफेस को देखें तो इसके बॉडी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इसका अपर सरफेस आप कह सकते हैं और एक इसका लोअर सरफेस। जो अपर सरफेस है वो एक्चुअल में क्या कहला रहा है, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहला रहा है, ठीक है, और जिसका लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है सब अम्ब्रेलर सरफेस, राइट, तो सब अम्ब्रेलर सरफेस हो गया, ये एक्स अम्ब्रेलर सरफेस हो गया। अब अगर आप इसके चारों तरफ देखें इसके बॉडी के, तो यहां पर पाया जाता है इसका एपिडर्मिस, बॉडी के चारों तरफ क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे अगर आप देखें, एपिडर्मिस के ठीक नीचे, दैट मींस अगर एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पर आप देखेंगे
तो कुछ स्ट्रक्चर्स आपको एक स्पेशली फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पर गोनेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो गोनेट्स ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, तो इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है ये एक्चुअल में क्या कहला रहा है, ये एक्चुअल में कह रहा है रेडियल कैनाल। ये क्या कहला रहा है, रेडियल कैनाल कहला रहा है। इस रेडियल कैनाल में, इस रेडियल कैनाल में क्या अटैच रहते हैं, इस रेडियल कैनाल में अटैच रहता है गोनेट्स। ये जो स्ट्रक्चर आप मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा कहला रहा है रेडियल कैनाल, और उस रेडियल कैनाल में अटैच रहते हैं बेटा क्या, गोनेट। ये जो गोनेट्स होते हैं जनद होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं जनद, ठीक है। इनसे जनद क्या हो सकता है, टेस्टिस, ओवरी, यही तो जनद हो सकता है ना भाई। हाँ बिल्कुल सही है। ये जो रेडियल कैनाल है इसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर पाया जा रहा है मेसोग्लिया, ये कैविटी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर भरा रहता है, ठीक है। और इस कैविटी फॉर्म में जो मेसोग्लिया है इसके अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर पाया जा रहा है गैस्ट्रोडर्मिस, दैट मीन्स ऊपर की तरफ पाया जा रहा है एंडोडर्मिस और नीचे की तरफ पाया जा रहा है गैस्ट्रोडर्मिस, कहाँ, रेडियल कैनाल के अंदर। तो इसी के ठीक नीचे आपका पाया जाता है क्या, रेडियल कैनाल। इस रेडियल कैनाल से अटैच रहता है गोनेट, ठीक है। और इस रेडियल कैनाल के द्वारा जो यहां पर एक कैविटी फॉर्म हुई, दिस कैविटी इज आल्सो कॉल्ड एज गैस्ट्रिक कैविटी। इसे क्या नाम दिया गया, गैस्ट्रिक कैविटी नाम दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर ये कुछ इसके कॉर्नर की अगर बात करें रेडियल कैनाल की, तो रेडियल कैनाल के जो कॉर्नर होते हैं ये सर्कुलर कैनाल कहलाते हैं। रेडियल कैनाल के जो कॉर्नर होते हैं एक्चुअल में क्या कहलाते हैं, सर्कुलर कैनाल कहलाते हैं, गोलाकार कैनाल कहलाते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर आपको इस तरीके से फिलहाल तो ये पूरा बना हुआ है, इस तरीके से मान लो ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है लाइक ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर्स में ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मैंने रेड कलर का ये अलग से बनाया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रोफेलियम। तो जो रोफेलियम है, इस रोफेलियम के ऊपर बहुत सारा टेंटिकल्स क्या रहता है बेटा, अटैच रहता है। दिस इस तरीके से क्या है, बहुत सारे टेंटिकल्स यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके अब सब अम्ब्रेला सरफेस की बात करें तो सब अम्ब्रेला सरफेस पर क्या पाया जाता है, माउथ, जो कि कैसा होता है, चौकोर होता है, ठीक है। माउथ कैसा होता है, इसका चौकोर होता है, और इसके प्रत्येक माउथ के एंड से एक ओरल आर्म क्या होती है, डेवलप होती है। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये, एक आर्म छुपी हुई कहीं पर। अगर आप इसको 3D डायग्राम में भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका, सब अम्ब्रेला सरफेस जब हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा कि ओरल आर्म कैसे यहाँ पर डेवलप हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओरल आर्म जो है माउथ के द्वारा क्या है, डेवलप होती है, लाइक ये ओरल आर्म। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इसके जाएं तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसका सब अम्ब्रेला सरफेस है, एक्चुअल में क्या है, आरेलिया मेडुसा का, आरेलिया का जो मेडुसा है उसका ये सब अम्ब्रेली व्यू है, सब अम्ब्रेलर व्यू है, ठीक है। इसके सब अम्ब्रेलर व्यू में अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर सेंट्रल पार्ट में जब आप देख रहे हैं तो सेंट्रल पार्ट में जो गोनेट्स है, सेंट्रल पार्ट में ये जो गोनेट्स यहाँ पर बना हुआ है, प्रत्येक गोनेट यानी चार गोनेट है, प्रत्येक गोनेट जो है किसके द्वारा कवर अप रहता है, रेडियल कैनाल्स के द्वारा। ये देखिए प्रत्येक गोनेट यहाँ पर रेडियल कैनाल्स के द्वारा क्या रहता है, अटैच रहता है, यानी प्रत्येक गोनेट से रेडियल कैनाल निकलती है हम ये कह सकते हैं, और रेडियल कैनाल क्या कर रही है, इसको यहाँ पर स्थगित कर रही है, रोकने का काम कर रही है, ठीक है। अगर आप सेंट्रल पार्ट में देखें, सेंट्रल पार्ट में इसका क्या पाया जा रहा है, माउथ पाया जा रहा है, जो कि कैसा है, चौकोर है। माउथ कैसा है, यहां पर चौकोर है, और प्रत्येक कॉर्नर, माउथ के प्रत्येक कॉर्नर से क्या यहां पर डेवलप हुआ है, माउथ के प्रत्येक कॉर्नर से यहां पर आर्म्स डेवलप हुई है, जिनको हम लोग बोलने हैं ओरल आर्म। तो यहां पर ये क्या डेवलप हो गई है, ओरल आर्म। ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये चारों तरफ देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं ओरल आर्म, ठीक है। अभी जो ओरल आर्म है आपको पता है, और डिटेल में जाए तो उसके ऊपर टेंटिकल्स, छोटे छोटे टेंटिकल्स फॉर्म में पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर मान लो प्रे यहाँ पर आया है, ठीक है, तो उसको ये कैप्चर करने में काम करता है, उसको पकड़ने में काम करता है खाने के लिए, ठीक है। रेफेलम क्या होता है, रेफेलम देखिए यहाँ पर जो रेडियल कैनाल निकली हुई है, रेडियल कैनाल जहां पर इस स्ट्रक्चर में, दैट मीन सर्कुलर कैनाल में जहां पर अटैच होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेफेलियम, ठीक है। ये क्या है, रेफेलियम। और सर्कुलर कैनाल या रेफेलियम के साथ साथ यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर सब अम्ब्रेला सरफेस में, ये बहुत ज्यादा डिवीजन हुआ है यहाँ पर बहुत सारा, इस डिवीजन को हम लोग बोल रहे हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स, दैट मीन्स ये गैस्ट्रिक कैविटी से अटैच रहती है, ठीक है। इनको क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर
कैनाल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा ये इसका क्या हो गया, सब अम्ब्रेलर व्यू हो गया। इस तरीके से इसका क्या हो गया, सब अम्ब्रेलर हम कह सकते हैं व्यू हो गया इसका। और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, एक्स अम्ब्रेलर व्यू, ऊपर ऊपरी सतह का और निचली सतह का हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लिया। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा जेलीफिश खत्म होता है। आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, काफी सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर है। आपके डायग्राम जो आपका, अगर मान लीजिए मॉडल पेपर आपके पास रखा है उसमें अगर कोई डायग्राम बनाओ तो इससे अच्छा है, साफ सुथरा है, तो आप उसको बना लीजिए। बेसिकली मुझे तो ये काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑरेलिया। रिप्रोडक्शन इन ऑरेलिया दैट मीन्स ऑरेलिया फिश यानी जेली फिश के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है।